हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर टू ऑफ दिस सीरीज दैट इज डिफ्रैक्शन ओके सो इन दिस स्टडी वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी टॉपिक्स लाइक हाईगेंस फ्रेशनल थेरी आज का टॉपिक है एंड देन नेक्स्ट है फ्रेशनल अजम्पन्स ओके दोनों मेन टॉपिक्स है उसमें हाईगेंस फ्रेशनल फ्रेशनल्स अजम्प्शन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग तो देखेंगे अभी वन बाय वन दोनों टॉपिक्स ओके सो फर्स्ट स्लाइड इज हाइगेंस फ्रेशनल थेरी ओके तो मतलब क्या था हाइगेंस ने जो था हाइगेंस या हाइजेंस कुछ भी बोल सकते हो तो उसने क्या किया था उसका तो हाइजेंस प्रिंसिपल जो हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा स्टडी किया था ओके okay? लास्ट लेक्चर में भी तो वो फ्रेशनल आया फ्रेशनल ने भी कुछ एग्जाम्पल्स एक कंसिडर किया उस एग्जाम्पल में से फिर कुछ उन्हें कंक्लूजन मिले कुछ ऑब्जर्वेशन मिले फिर उस पर कुछ वहाँ पे उसने स्टेटमेंट्स दिए हुए ओके हाईगेंस सेवी पे तो वो हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे कौन से कौन से तो अभी क्या देखते हैं पहले हाई गन प्रिंसिपल क्या है ओके एक बार वापस रिवाइज करते लास्ट टाइम जो देखा था वही है ओके तो हाईगेंस प्रिंसिपल से पहले ये डायग्राम समझ लो क्या रहता है देखो यहाँ पे क्या दिखाया देखो वेव्स ऐसे निकलती मतलब किसी एक पॉइंट में से ऐसे जो सब डरेक्शन में अगर जा रहे ओके इस डिरेक्शन में इस डिरेक्शन में इस डिरेक्शन में इस डिरेक्शन में, में ऐसे 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 जाती रहेगी ओके सारे डिरेक्शन ऑल डिरेक्शन तो क्या होगा ये जो एरो दिखा रहा है ये एक्चुअल में हमारी वेव्स का पाथवे दिखा रहा है ओके okay? कहा प्रोपेगेट करेगा वो तो अगर वेव ऐसे बन रही है ओके देन सेकेंड वेव भी ऐसे ही बनेगी थर्ड भी ऐसे ही बनेगी तो हर एक वेव का जो ऊपर का पार्ट है ना वो एक दूसरे को जॉइंट हो जाएगा जैसे ही जॉइंट होगा तो एक कर्व मिल जाएगा जो नीचे का पार्ट है वो भी ज्वाइंट होगा तो एक कर्व मिल जाएगा ऐसे करके हर एक पार्ट ऐसे एक ज्वाइंट होते जाएंगे तो क्या होगा ये जो कर्व बन रहे हैं ना इस कर्व को क्या बोला जाता है वेव फ्रंट ओके ये कर्व वो हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट और ये जो कर्व बन रहे हैं तो ओके ये सब कर्व बन ले सो तो इस सारे कर्व्स के अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ देखो एक कर्व ऐसा मैं ड्रा करता हूँ इसका कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो ओके हर एक पॉइंट पे ओके तो कोई भी हम पॉइंट कंसिडर कर लिए ऐसे देखो कुछ पॉइंट तो इसके हर एक पॉइंट क्या करता है वो एक्चुअल में सोर्स का काम करते हैं सोर्स मतलब उसके थ्रू और वेव्स क्रिएट होते हैं तो वेव्स कैसे क्रिएट होंगे उसके थ्रू इसके, इसके आजू बाजू में ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे ओके और सेम अभी ये पॉइंट कंसिडर किया तो ये पॉइंट के भी आजू बाजू में ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे फिर ऐसे 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 करके ऐसे बहुत सारे वेवस होंगे ओके तो ये वेव्स का ऐसा देखो दोनों साइड भी दिखा सकते हैं हम लोग इसको इसको दोनों साइड दिखाया जाता है कि ये साइड भी वेवस क्रिएट करेगा वो ये साइड भी लेकिन हमेशा क्या होता है ये साइड की जो वेव्स होती है मतलब लेफ्ट साइड की वो दिखती नहीं है ओके वो डार्केस्ट पोर्शन चला जाता है बट ये सामने का है वो सिर्फ दिखेगा तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इसका जितने भी ऊपर का साइड है उसको अगर वहाँ से अगर कोई ड्रा करते लाइन ड्रॉ करते तो वहाँ पर हमें और एक वेव फ्रंट मिलता है और उस वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट ओके ये फर्स्ट था वो हमारा प्राइमरी था ओके जहाँ से पहला जब स्टार्ट होता है यहाँ पे अगर पॉइंट कंसीडर करें यहाँ से अगर ये लाइन निकल रहे है सब ओके तो ये जो फर्स्ट हो गया वो प्राइमरी हो गया और जो सेकेंड है वो उसको क्या बोलेंगे उस लाइन को सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे ओके मैं यहाँ से ये यह निकाल देता हूँ मतलब ओरिजिनल डायग्राम क्लियरली दिखाई देगी ओके तो देखो अभी इसमें आपको पता चल रहा है ओके ये देखो यहाँ पे पूरा है ओके रेस बोला गया है यहाँ पर तो ये जो सर्कल्स दिखाई गए इसमें तो वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं उस पॉइंट्स में से निकले हुए वेव्स है ओके वेव्स को उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो मेन सोर्स है वो हमारा ये है यहाँ से यहाँ से वेव प्रोपेगेट होना स्टार्ट होता है ओके okay? तो यही है तो हाइगेंस प्रिंसिपल ने क्या किया है हाइगेंस प्रिंसिपल ने यही चीज़ को बताया अपने सेंटेंसेस में तो क्या बताया देखो एवरी पॉइंट इन एनी सरफेस ऑन अ गिवन वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट जो दिया गया है उसका हर एक पॉइंट ओके okay? उसे फिर ब्रैकेट में लिखा है कि प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब उसको जो पहला वेव फ्रंट रहता है वो उसी को प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वो एक्चुअल में क्या एक्टिंग करता है मतलब किस कौन सा रोल कर रहा है वो एक्चुअल में सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स क्यों बोला जाता है अगर वो सेकेंडरी है तो पहला कौन सा होगा जहाँ से हमारा एक्चुअल जो पहला वेव बना है वो जो पहला वेव बना है वो किसके वजह से बना है इस पॉइंट की वजह से तो ये हमारा प्राइमरी हो गया इसके बाद जो भी कुछ सोर्स बनेंगे वो सब क्या होंगे सेकेंडरी सोर्स रहेंगे इसलिए वो उसको सेकेंडरी सोर्स बोला गया ओके सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंट्स आउट सेकेंडरी वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन सेकेंडरी वेव्स मतलब क्या है एक्चुअल में ये जो सर्कल सर्कल बोल रहे हैं ना हम लोग इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स जो एक्चुअल में सेकेंडरी वेव्स दे रहे हैं ओके और हमेशा याद रखना ये वेव्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि जा रहे बाहर देखो आपने अगर कुछ पानी देखा होगा नदी के इसमें किस में भी अगर उसमें आप कोई स्टोन अगर डाल देते हो तो उसमें वेव्स ऐसे बनते हैं ओके हमेशा बाहर जाते हुए वेव्स मिलते कभी भी देखा है उसके वेव्स अंदर आ रहे हैं बाहर जाते हुए दिखते तो उसी तरह से वेव्स भी बाहर जाते रहेगी ओके ये मतलब अभी इधर वेव है वही वेव कुछ टाइम के बाद इधर भी पहुंचेगी क्योंकि कुछ टाइम के बाद आगे चली जाएगी ऐसा आगे आगे जाती रहती है okay. ओके मतलब जो अभी प्राइमरी वेव फ्रंट है वो बाद में सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा और प्राइमरी वेव फ्रंट को रिप्लेस कर देगा कोई और वेव फ्रंट ऐसा वेव फ्रंट से यहाँ पर चेंज होती रहेगी देन लेट्स ओके ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट देन सेकेंड देखो क्या बताया दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड सेंस मैंने बताया ना उसी फॉरवर्ड सेंस में इफेक्टिव होंगे इसलिए ये पीछे का जो साइड है ना ये हमारे काम का नहीं है ओके फॉरवर्ड में सिर्फ इफेक्टिव होंगे क्योंकि वो बाहर जाते रहेगा ना सब नेक्स्ट क्या है द सब्सिक्वेंट द सबसिक्वेंट इफेक्ट बियॉन्ड दैट सरफेस मे बी अस्क्राइब्ड ओके इसका मैंने मीनिंग लिखा है अस्क्राइब्ड वर्ड का कि कॉस्ट ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स अलोन ओके तो सब्सिक्वेंट इफेक्ट मतलब क्या तुरंत आने वाला इफेक्ट ओके okay? एक इवेंट किया तो उसके बाद तुरंत जो इफेक्ट आता है वो ओके okay? ये क्या हो गया एक्चुअल में किसके वजह से हो रहा है ये कंबाइंड एक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स अलोन ओके जो कंबाइंड एक्शन जो हो रही है सेकेंडरी वेवलेट्स की मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब ये कौन से सर्कल जैसे बन रहे हैं हमने दिखाया हुआ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वो तो उसके वजह से क्या हो रहा है और फिर नेक्स्ट वहाँ पर दिखाई दे। देखो यहाँ पे और सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं और फिर इनसे ऐसा एक वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है ओके okay. उस वेव फ्रंट को बोला जाता है एक्चुअल में सेकेंडरी वेव फ्रंट ओके सेकेंडरी वेवलेट्स अलोन ओके तो ये यहाँ पे बताया मतलब जो इफेक्ट हो रहा है वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है ये सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से द वेव्स ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ओके तो यहाँ पे ये भी बताया कि जो वेव्स है वो एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट की से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है वो एक चीज़ उसने बताई थी तो ये सेंटेंस आपको हर इसमें नहीं दिखेगा कुछ कुछ इसमें रहता है ओके okay, वैलिड होता है किसी में नहीं ओके स्पीड ऑफ लाइट वे ये ट्रैवल कर दिया ऐसा देन नेक्स्ट देखते हैं देखो अभी एक एग्जाम्पल उन्होंने कंसिडर किया ओके okay, उससे फिर और हमें हाइगेंस फ्रेस यहाँ पे पता चलेगी तो एग्जाम्पल देखो क्या है पहले तो कंसिडर करो एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स है ओके okay, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होगा जहाँ पे सिंगल वेवलेंथ की लाइट रहेगी वो ओके पॉइंट सोर्स मतलब एकदम पॉइंट मतलब एकदम स्मॉल ओके okay ना सोर्सों का सो सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलैंग लैमड़ा ओके उसकी वेवलैंग भी दी गई है लैमड़ा देन नेक्स्ट क्या बताया कि एक्स वाई बी अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एपर्चर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एपर्चर का मीनिंग क्या है ऐसा कोई भी गैप ओके okay? ऐसा गैप रहेगा ओके okay? जहाँ पे देखो ऊपर के साइड नीचे के साइड इसमें कुछ नहीं है बीच में गैप रहेगा उसी को बोला जाता है एपर्चर मतलब स्लिट भी बोलते हैं या फिर एपर्चर भी बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर एपर्चर बता दिया इन्होंने देखा रेक्टेंगुलर एपर्चर मतलब क्या रहता है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा एक एपर्चर रहेगा ओके ये रेक्टेंगुलर नहीं है देखो ऐसा रहेगा रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा एपर्चर रहता है कि यहाँ पे ऐसा मैंने ये अगर ड्रॉ किया है पूरा तो इसमें ऐसा बीच में ऐसा रेक्टेंगुलर गैप रहेगा तो उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एपर्चर ओके स्मॉल रेक्टेंगुलर एपर्चर देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है देखो ये ऊपर का पोर्शन एक है ये नीचे का पोर्शन एक है और बीच में बीच का जो पार्ट है वो एक्चुअल में गैप है ये जो पूरा पार्ट है ना ये एक्चुअल में गैप है ओके okay? इसमें से लाइट गया हुआ है और यहाँ पे हमारा सोर्स है सोर्स के थ्रू लाइट यहाँ पे गया तो देखो क्या बताया यहाँ पे बताया कि टू सी डिफ्रेक्शन स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन पाथ ऑफ एन इंसिडेंट लाइट तो हमें अगर डिफ्रेक्शन वेव चाहिए डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी ओके okay? दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट नियर दॉर्नर ऑफ एन ऑप्स्टेकल ओके तो ऑप्स्टेकल मतलब क्या रहता है ये स्लिट ही तो रहती है यहाँ पे जो स्लिट बनाई गई ये एक्चुअल में ये ऑबस्टेकल का, का काम भी कर रही है यहाँ पे ओके देन नेक्स्ट क्या देखो वी सी ऑन स्क्रीन इल्यूमिनेटेड रीजन ए बी तो इस स्क्रीन पे हम लोग देखो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड रीजन मिला है ओके okay. इल्यूमिनेटेड का मीनिंग क्या कि ऐसा रीजन कि जहाँ पे लाइट का ही एक्चुअल इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे लाइट दिख रहा है हमें अगर कहीं पे लाइट है और कहीं पे डार्क है तो इसका मतलब क्या रहता है जो लाइट वाला पार्ट है जिसमें पूरी तरह से लाइट आ गई है उसको बोलते हैं हम इल्यूमिनेट मतलब वो इल्यूमिनेटेड हो चुका है वहाँ पर तो इसलिए इल्यूमिनेटेड रीजन ए बी बोलते हैं तो ये जो ए बी का रीजन है ओके तो ये स्क्रीन पे जो रीजन है ए बी वो एक्चुअल में इल्यूमिनेटेड है तो नेक्स्ट क्या है अबोव ए एंड बिलो बी पॉइंट्स वी सी द रीजन ऑफ मतलब क्या बोला कि ए के ऊपर या फिर बी के नीचे एक्चुअल में क्या है ज्योमेट्रिकल शेडो ज्योमेट्रिकल शेडो क्यों बोला है मतलब वहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं है मतलब ये पार्ट जो ऊपर का साइड का जो पार्ट है ना वो वो इधर का भी है नीचे का साइड का पार्ट वो ओके okay. इसको इसको क्या बोला जाता है ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का लाइट नहीं है वहाँ पर ओके okay. ये हो गया नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थेरी हाइजेंस ने अभी क्या बताया देखो उसने बोला कि उसके थेरी के हिसाब से क्या है एक्सवाई बिकम्स ए प्राइमरी इफेक्टिव स्पेरिकल वेव फ्रंट क्यों देखो यहाँ पे जैसा ही सोर्स है ये प्राइमरी सोर्स है तो इससे ऐसे वेव्स निकल रहे जैसे हाइजींस में बताया था ऐसे जाते जाते फिर वो एपरचर पे आ गए जैसे ही वो एपरचर को कर, टच होते हैं वहाँ से वो बेंडिंग यहाँ पे बेंड होंगे ओके मतलब और अंदर जाएंगे फिर अंदर जाने के बाद यहाँ से फिर सेकेंडरी वेवलेट्स से यहाँ पे बनते जाएंगे और जैसे हमने पहले देखा था वो ऐसा ओके वहाँ से फिर अंदर जाएंगे तो अंदर भी यहाँ पे वेव्स बनेंगे फिर अंदर वेव्स वेव्स ऐसे बनते जाएंगे ओके ऐसे नीचे नीचे तो क्या हो गया देखो प्राइमरी इफेक्टिव वेव प्रोपेगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डे आगे आगे जाएगा इफ वी कंटिन्यू टू ड्रॉ सेकेंडरी वेव्स मतलब क्या बताए कि हम अगर कंटिन्यू सेकेंडरी वेव्स अगर ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट अगर ड्रॉ करते रहते हैं कंटिन्यू ऐसे मतलब यहाँ पे वेव्स है ओके ऐसे हम लोग ड्रॉ करते रहेंगे सेकेंड रिव्यू जैसे कंटिन्यू जैसे यहाँ पे है वैसे ही तो क्या हो गया वहाँ पे सेकेंडरी रिव्यू अपना ड्रा करते हो दे देकरोच इवन इन जोमेट्रिकल शेडो देखो जीमेट्रिकल शेडो के अंदर भी कुछ पार्ट चला गया यहाँ पर भी कुछ पार्ट चला गया तो ऐसा बताया कि उसके अंदर जा सकता है बिकॉज द स्लिट इज़ वेरी नैरो ये सब क्यों हो रहा है एक्चुअल में क्योंकि स्लिट बहुत नैरो है बहुत छोटा स्लिट है ओके okay? बीच में का गैप बहुत कम है ओके okay? बट इतना कम गैप चाहिए भी हमें क्यों चाहिए वो आगे बताऊंगा ना सो इट्स डायमेंशन आर कंपेरेबल विथ लैमड़ा ओके मतलब उस लाइट का जो वेवलेंथ है उसके कंपेरिजन में हमने स्लिट का भी विर्थ रखा हुआ है ओके मतलब उतने बहुत कम ऐसा नैरो रखा हुआ है वेरी नैरो विथ डी इक्वल टू लैमड़ा डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस मतलब अगर ऐसे कंडीशन फ्लैस होता है अगर हमारी जो स्लिट विर्थ है स्लिट की विथ वो हमारे वेवलैंक ओके okay ना लाइट की वेवलैंग जो है हमारी उसके इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस मिलेंगे लाइट की वेवलेंथ मतलब कौन सी लाइट हमारी जो सोर्स की लाइट है वो उस वेवलेंथ के इक्वल होगी तभी हमें डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस मिलेंगे ओके नेक्स्ट देखते हैं देखो क्या बताया देखो इसमें फिर इफ द थ्योरी ऑफ रेक्टिंग लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ओके okay, तो रेक्टीलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट मतलब क्या था कि सिंगल लाइन में लाइट right, ट्रैवल uh, करना और उसका इफेक्ट भी सिंगल मिलेगा हमें ओके okay, उसको रेक्टीलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोला जाता था uh, तो क्या बोला है कि ऑन द स्क्रीन एक्स प्राइम वाई प्राइम शुड बी ओनली ब्राइट मतलब क्या बोला था अगर रेक्टीलिनियर का अगर इफेक्ट है रेक्टीलियर मतलब क्या सिंगल सीधे है. अगर यहाँ पे मैं सोर्स देता हूँ तो यहाँ पे सिम यहाँ पे हमें यहाँ पे लाइट मिलना ओके okay. कहीं और नहीं जाना उसको रेक्टीलिनियर प्रोपेगेशन बोला था तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्स प्राइम वाई प्राइम शुड बी ओनली ब्राइट मतलब यहाँ पे अगर एक्स वाई है यहाँ पे स्लिट स्लिटविड तो उसके सामने वाला कौन सा है एक्स प्राइम वाई प्राइम है उतने ही साइज़ का तो क्या होना चाहिए था इतना ही पार्ट हमारा इल्यूमिनेट होना चाहिए था उसके ऊपर का या तो फिर नीचे का पार्ट इल्यूमिनेट नहीं होना चाहिए था ओके वहाँ पर किसी भी तरह की लाइट नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर शेडो होनी चाहिए मीस एक्स प्राइम ए और देन वाई प्राइम भी वो पूरा शेडो वाला पार्ट होना चाहिए प्रैक्टिकली बट क्या हो रहा है उल्टा ये ऐसा नहीं होता है ओके okay? तो यहाँ पे देखो ये वही लिखा है प्रैक्टिकली शेडो ऑफ एक्स वाई क्या बताए देखो प्रैक्टिकली शेडो ऑफ एक्स वाई इज मच मोर ब्रॉडर ओके ब्रॉड है वहाँ पे ओके okay? क्या जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो वाई की जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा ब्राडो ब्रॉडर है ओके okay? एंड शेडो इज़ नॉट परफेक्टली डार्क एंड डिस्टिंग ओके उसका जो शेडो आएगा इस एपलचर का वो इतना शार्प और डिस्टिंक नहीं होगा अब ब्रॉडर शेडो ग्रेजुअली फेडिंग अवे इज़ अ रिजल्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट तो ये जो ब्रॉडर शेडो आती है जोमेट्रिकल शेडो जो बन रहा है वो एक्चुअल में किस लिए बन रहा है यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से तो यहाँ लाइट देखो यहाँ से ट्रेवल करती है तो ये बेंड हो रही है तो इसके वजह से ये जोमेट्रिकल शेडो बन रहा है द डिस्टेंस बियॉन्ड द जोमेट्रिकल बाउंड्री टू द शेडो ऑफ दिस शेड ओके तो इस जोमेट्रिकल बाउंड्री के बियॉन्ड जो कुछ डिस्टेंस है देर आर अल्टरनेट रीजन्स ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इट फॉर्म्स डिफ्रैक्शन पैटर्न ओके तो क्या हो गया क्या बताया कि जोमेट्रिकल बाउंड्री है उसके बीन्ड अगर हम देखें देर आर अल्टरनेट रीजन्स ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इट फॉर्म्स अ डिफ्रैक्शन पैटर्न तो इसके बियॉन्ड अगर देखेंगे तो वहाँ पर हमें डिफरेंट ऐसे ही मिलेंगे ओके okay? डार्कनेस और ब्राइटनेस ऐसे बैंड्स मिलेंगे इसलिए वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होगा इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कोयरन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स और ये किस लिए होता है क्योंकि सुपरपोजिशन पोजिशन वहाँ पर होता है सुपरपोजिशन पोजिशन मतलब ए एक साथ हो जाना ओके okay? पूरा कंबाइन होना इसको बोल रहा है सुपर ऑफ कोयरन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स मतलब जितने भी वेव फ्रंट्स हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स उसका कंबाइन होना द अल्टीमेट डिफ्रेक्शन पैटर्न इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ओके तो मेन जो है डिफ्रेक्शन पैटर्न का रीज़न वो भी है इंटरफेरेंस ही ओके okay? ओके okay. मतलब इसमें भी वही चीज़ होती है बस डिफ्रेक्शन हम लोग आगे देखेंगे तो भी पता चल जाएगा देखो कि डिफ्रेक्शन में हमें इंटरफेरेंस भी मिलता है वो हम ऐसे आगे आगे कुछ टॉपिक्स देखेंगे ना उसमें पता चल जाएगा मतलब वो भी एक तरह का इंटरफेरेंस ही होता है बस उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारी वीट थे वो अलग अलग रहती है ऐसा ओके ऐसे अलग अलग रहेंगे ओके उनकी हाइट अलग अलग रहती है तो हम लोग देखेंगे मतलब इंटेंसिटी अलग अलग रहती है लाइट्स की वही उसमें चेंजेस है तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया देखो बट इफ द एपर्चर विड्थ मतलब वो एपर्चर की जो विड्थ है वो अगर अगर ग्रेटर देन लैमड़ा अगर वो बहुत ज्यादा होगी अगर इससे अपना अरे वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होगी नो डिफ्रैक्शन बट ओनली यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा कि जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा हो गई ऐसा देखो ये कंडीशन में बहुत ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा वहाँ पे किसी भी तरह का डिफ्रेक्शन नहीं मिलेगा बट ये जो लाइट है ना ये डायरेक्ट ऊपर आगे चली जाएगी ओके ऐसा okay? हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्रेशनल अभी फ्रेशनल ने बताया था डिफ्रेक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व इन द एग्जाम्पल एज वेल एज इन नेचर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज यूजिंग हाइजेंस थेरी तो फ्रेशनल ने यहाँ पे कुछ बताया देखो, observation hygiene, hygiene theory, okay okay, है देखो ऑब्जर्वेशन जो उससे मिले यहाँ पे एग्जाम्पल से यूजिंग हाइजेंस थेरी ओके ना वो क्या है देखो हाइजेंस वेवलेट्स कैंसिल आउट फॉर रीजन्स फार आउटसाइड एक्स ए वाई बी ठीक है एक्स ए और वाई बी उसके बाहर के जो रीजन्स है उसको कैंसिल कर देता है ये पूरा मतलब तो तो जोमेट्रिकल शेडो वाला रीजन देन क्या बताया आप फॉर रीजन्स वेल विद इन एक्स ए एंड वाई बी एक्स एंड वाई बी के अंदर जो है द हाइजेंस वेवलेट्स एडप्टू गिव द सेम इंटेंसिटी एज इन द एबसेंस ऑफ द तो ये जो रीजन से बीच में उनको ऐड होता है ओके और ऐड करके सेम इंटेंसिटी कहाँ पे मिलेगी अगर हमने एपर्चर वहाँ पे एबसेंट भी होगा तो भी ओके तो नेक्स्ट क्या है फॉर रीजन्स क्लोज टू द लिमिट्स एक्स ए एंड वाई बी मतलब जो एक्स ए है और वाई बी है जो बहुत इनसाइड और आउटसाइड ओके जो अंदर के साइड का भी और बाहर के साइड का भी द वे फोरी प्रिडिक्स डिपार्चर ऑफ इंटेंसिटी दैट मैच दी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर तो इन्होंने क्या बताया कि इस रीजन्स के लिए जो वेव थे रही है उसने क्या प्रडिकट किया हुआ है कि इंटेंसिटी हाथ से बाहर बाहर जाती हुई थी ओके डिपार्ट कर, डिपार्ट करती है मतलब कम कम हो जाएगी दैट मैच द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन मतलब ऐसे बताया गया उन्होंने कि एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का जो मैच हो रहे एक्चुअल में बस यही चीज़ है सब सेकेंड जो था वही हमारा था कि बताए गए थे एक्स एवन वाई बी है बाद में वो जो उसके वेवलेट्स है वो एक्चुअल में वहां पर एडअप होते हैं एंड सेम इंटेंसिटी वहां पे देते हैं। भले ही वहां पे एपरेचर होगा या ना होगा ओके मैटर नहीं करे देखो यहाँ पे नो डिफ्रैक्शन ओके okay? क्योंकि ये डायरेक्ट है ना तो इसलिए नो डिफ्रेक् यहाँ पे डिफ्रेक्शन नहीं होगा फ्रेशनल ने कुछ अजम्पशन दिए ये अजम्पशन देख लेते हैं okay? ओके तो देखो क्या है हमें वैश्वल के आजमशेर की क्या ज़रूरत पड़ी कैसे देखो पहले देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया था क्या था देखो यहाँ पे फिगर दिया गया है यहाँ पर यह सोर्स है ऐस करके के पॉइंट सोर्स है वो ओके एकदम पॉइंट के साइज़ में और मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या रहती है सिंगल वेव लेंथ वाली लाइट ओके एंड एक्स वाई इज़ अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर एपर्चर मतलब सेम जैसा पहले दिखा था वैसा ही है एक्सवाई यहाँ पे एपर्चर है देन नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने देखो स्क्रीन पी क्यू जो स्क्रीन है हमारी वो क्या है पी क्यू मतलब क्या यहाँ पे रखा हुआ है देखो ये पी क्यू है स्क्रीन देन नेक्स्ट क्या है और स्क्रीन जो है पी क्यू की वो कहाँ पे एक फाइनेट डिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है सोर्स से एंड लाइन एस ओ परपेंडिकुलर टू स्क्रीन स्क्रीन तो एस ओ जो है वो स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलर है ओके okay. तो so, ये एस SO ओ यहाँ पे कैसे होगा देखो ये एस और ये ओ एक चल में परपेंडिकुलर है स्क्रीन के साथ लेन एक्स सी वाई बी ए स्मॉल इफेक्टिव इंसिडेंट तो सी है देखो यहाँ पे बीच में जो सेंटर क्रिएट किया हमने उसको सी दिया गया तो एक्स सी वाई बताया गया ओके बी एस स्मॉल इफेक्टिव इंसिडेंट स्पेरिकल वेव फ्रंट ओके तो देखो ये स्मॉल यहाँ पे वेव फ्रंट क्रिएट होगा ये इन दोनों के बीच में सी वाई को जो कहाँ से बन रहा है एम एन से बन रहा है इसलिए क्या बोला गया एक्स सी वाई बी एस स्मॉल इफेक्टिव इंसिडेंट स्पेशल वेब फ्रंट ओके स्पेश स्पेरिकल रहेगा ये स्पेशल नहीं रहेगा

ए पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन तो पॉइंट ए पर जो हम अगर रिजल्ट इफेक्ट हमें देखना है तो फ्रेशनल पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग एक्जम्पन तो अभी क्या हुआ अगर ये पॉइंट ए पर हमें पूरा इफेक्ट देखना है यहाँ पे देखो यहाँ पर जैसे ही हमने लाइट यहाँ पे अप्लाई किया तो एक पॉइंट के बाद लाइट यहाँ पे इलिमिनेट हुआ देखो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था तो हमने क्या किया स्क्रीन का एक कोई भी पॉइंट कंसिडर किया तो यहाँ पर ए पॉइंट कंसिडर किया हुआ मैंने ठीक है हम एग्जाम्पल सिर्फ ऐसे हम लोग देख रहे हैं ओके ना इस पर हमें ऑब्जर्वेशन निकालने ना तो ए को हमने कंसिडर किया तो ए पॉइंट यहाँ पे था यहाँ से एक्चुअल में व्यूज आ रही है तो क्या किया है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा लिखा हुआ है ओके और इस पर हम लोग अगर स्टडी कर रहे तो देखो हमें ए पॉइंट ए में इंटेंसिटी कैसे आ रही है क्या है तो वो हमें देखना है तो उसके लिए कुछ अजम्पन दिए हुए ओके फ्रेशनल ने अजम्पन अजम्पन का एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है वो मैं बताने का रह गया एजम्पन मतलब ऐसी चीज़ है जो हम कि हमें साइंस में हम ऐसी चीज़ें है कुछ होती है कि जो डायरेक्टली हम लोग प्रेडिट कर देते मतलब डायरेक्टली उसको कंसिडर कर देते ओके क्योंकि उसको कंसिडर करने के बाद आगे के रिजल्ट सही आते इसलिए उसको एजम्पन बोला जाता है मतलब वो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कुछ नहीं है बस उसको डायरेक्टली हमने अज्यूम कर दिया है मतलब साइंटिस्ट लोगों ने अज्यूम किया था उस टाइम पे

So, हर एक एलिमेंट रहेगा उससे क्या बोला जाता है कि फ्रेशनेल जोन्स बोलते हैं ओके okay? हर एक एलिमेंट या फिर जोन्स ओके okay? उसको बोला जाता है ओके फ्रेशनेल okay? फ्रेशनल उसका हर एक स्मॉल स्मॉल पार्ट ओके वेव फ्रंट का ठीक है निकाल दे दो नेक्स्ट क्या है उसी में क्या है मतलब ये पूरा एक एक ही स्टेटमेंट है वो मैंने एक इसलिए स्लाइड पे दिखा दिया तो ये क्या लिखा है कि नीच ऑफ दिस एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स मतलब उसका हर एक एलिमेंट जो था इसे बनाया था वो हर एक एलिमेंट तो वो एक्चुअल में क्या है सोर्स ऑफ लाइट का, का काम कर रहा है मतलब इधर से ऐसे लाइट वेव्स निकलेंगे ओके इसमें से अलग अलग तो वो हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स का काम कर रहा है वहां पर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स के लिए द रिजल्टेंट इफेक्ट एट एनी पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन विल डिपेंड ऑन द कंबाइंड इफेक्ट of all the secondary waves originating from the various zones it is also true for a point o the disturbance from c reaching o first and from the adjoining element on the wave front a little later matlab kya bataya gaya dekho abhi abhi isne kya bataya jo a pe jo hame light mil raha hai वो एक्चुअल में किस लिए मिल रहा है वहाँ पे इस सेकेंडरी वेव्स के वजह से ही मिलता है अलग अलग वेव फ्रंट्स के अलग अलग जो सेकेंडरी वेव्स रहते हैं ये जो ऐसे स्मॉल स्मॉल हम लोग इस पार्ट में दिखाते हैं ना इसका भी अगेन देन यहाँ पे एक वेव फ्रंट बन जाएगा फिर उस वेव फ्रंट का भी और एक रहेगा फिर वहाँ पे आगे देन अगेन वेव फ्रंट तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनते हैं ना यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे ओके उनके वजह से ये क्या हो रहा है वेव्स बनते जाएंगे वेरियस जोन्स बनते जाएंगे अलग अलग जोन बनते रहेंगे और उसके वजह से ये पॉइंट ए पे हमें इंटेंसिटी मिलेगा लाइट हमें मिलेगी ओके और सेम थिंग ओ पे भी मिलेगी बट क्या होगा ओ पे जल्दी मिलेगा ओके okay. वो पे पहले हमें लाइट मिलेगी और ए पे बाद में मिलेगी बहुत टाइम बहुत कम रहेगा दोनों के बीच में भी क्योंकि क्या होगा ये डिस्टेंस कम है ना ये डिस्टेंस ज़्यादा है आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करके भी देख सकते हो भी, भी पता चल जाएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा है कम कौन सा रहता है वो इजीली यहाँ पे दिख रहा ही रहा है देखो यहाँ पे रैम्प पे ओके और यहाँ पे ये डायरेक्ट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही हमेशा कभी भी कम रहेगा ना वो रैम्प वाले से ओके क्योंकि एंगल का डिफरेंस भी तो दिखा रहा है थीटा का डिफरेंस दिखा रहा है दोनों में वे तो वही बताया कि ओ पॉइंट को तक हमें रीच करने के लिए मतलब ओ तक हमें पहुंचने के लिए सी टू ओ जितना टाइम लगेगा ओके okay. और बाकी ए तक पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नेक्स्ट देखते हैं सेकंड देखो क्या है सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है द इफेक्ट एट पॉइंट ए ड्यू टू एनी पर्टिकुलर जोन विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जोन ओके तो जो पॉइंट है दूसरे ओके okay. उनका डिस्टेंस कितना है जोन जोन से ओके okay. उस पर भी डिपेंड करता है कि पॉइंट ए पे कैसा रहेगा इफेक्ट क्या हो जाएगा पॉइंट ए पे डिफेक्ट क्या रहेगा वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दी जोन ओके जोन में से पॉइंट का कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है उसका तो ये भी एक्चुअल में क्या है? आ, उस पर डिपेंड करता है ओके okay. देखो यहाँ पे हमारा ये था स्लाइड ओके हाँ. okay. uh, ये था ओके okay, हाँ इफेक्ट एट पॉइंट ए ड्यू टू एनी पर्टिकुलर जोन ओके विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम जोन तो जोन से लेके पॉइंट तक पॉइंट मतलब कौन सा यहाँ पे स्क्रीन पे जो पॉइंट है वो तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ से स्क्रीन इतना किसका डिस्टेंस है ओके okay. रिलेटिव डिस्टेंस मतलब वेव फ्रंट जहाँ से वेव फ्रंट में से कोई भी जिस वेव फ्रंट का हम लोग कस्टर करेंगे उस वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट ओके उन दोनों का उस दोनों का कितना डिस्टेंस आता है उस पर डिपेंड करता है कि इस पर इफेक्ट कितना रहेगा पॉइंट ए पे वो भी है नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट एट ए विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ऑब्लिकिटी ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द जोन तो ऑब्लिकिटी का मीनिंग क्या रहता है कि एक तरह का स्लोप जैसा होना ओके ऐसा जो रहता है ना वो चीज़ को स्लोप या फिर इंक्लिनेशन बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं झुकाओ झुक जाना उसके सामने तो उसको बोला जाता है ओब्लिकिटी मतलब तो उसका जो फैक्टर रहता है उसको ऑब्लिकेटिव फैक्टर भी बोलते हैं तो इस ऑब्लिकिटी ये जो प्रॉपर्टी है और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द जोन तो ये जो पॉइंट है ए ओके और ये जोन के रिस्पेक्ट में जोन मतलब कहाँ रहेगा यहाँ पे वेव फ्रंट के यहाँ पे तो ये जोन और वो दोनों के बीच में कितना यहाँ पे ऑब्लिकिटी हो रहा है ओके ज्यादा है या कम है वैसा मतलब एक स्लोप तरह से दैट इज द एंगल ओ एंगल जीरो बिटवीन एंगल थीटा यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे थीटा रहेगा ओके एंगल थीटा बिटवीन द लाइन सी एंड सी ओ मतलब ये देखो ये सी ए लाइन है ये सी ओ लाइन है दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा ओके इज मैक्सिमम इन ए डेक्शन रेडियली आउटवर्ड तो ये मैक्सिमम कहाँ पे रेडियली आउटवर्ड ये मैक्सिमम रहेगा ओके फ्रॉम सी एंड डिक्रीजेस टू ज़ीरो इन द अपोजिट डायरेक्शन ओके सी से कहा होगा बाहर ये मैक्सिमम रहेगा और देन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो कम कम होते जाएगा ओके okay? मतलब एक तरह के यहाँ पे ये यह बढ़ रहा है पर तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग सी कंसिडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज होते होना चालू हो जाएगा ऐसा हो गया ओके okay. मतलब रेडियली इन्वर्ट करेंगे तो वो एक्चुअली जीरो हो जाएगा नेक्स्ट क्या बताया देखो एक एग्जाम्पल का सीडर किया फॉर एग्जाम्पल अभी ये तीनों एग्जिप्शन तो हो गए एग्जाम्पल क्या बताया द इफेक्ट इज मैक्सिमम एट ओ ओके मतलब ओ पॉइंट पे ये इफेक्ट मैक्सिमम होता है टू द पार्ट ऑफ ए वेव फ्रंट एट सी मतलब ओ पॉइंट मतलब वो सब बीच का पॉइंट रहता है वो हमेशा मैक्सिमम uh, रहता है प्रिंसिपल मैक्सिमम हम लोग डिफ्रैक्शन में देखते हैं वो सब देखेंगे हम लोग बाद में तो बस इतना याद रखो कि अभी पॉइंट ए पे वो पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का रहता है ड्यू टू द पार्ट ऑफ ए वेव फ्रंट एट सी तो जो सी uh, पे कुछ वेव फ्रंट का पार्ट है उसकी वजह से ये हो रहा है एंड देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इंक्लिनेशन जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी ओके okay? वही चीज़ बताई मतलब जीरो डिग्री पे सबसे ज़्यादा होगा और बाकी पे कम 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 होते जाएगा सो देखो इनफैक्ट ऑब्लिकेटिव फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मतलब ऑब्लिकेटिव फैक्टर वो एक्चुअल में प्रोपोर्शनल किसके है वन प्लस कॉस थीटा ठीक है तो ऑब्लिकेटिव फैक्टर है जो ऑब्लिकेटिव फैक्टर में ओ एफ से डिनोट करता है तो वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन प्लस कॉस थीटा ये इसके कंबाइन में ओके ऑब्लिगेटिव फैक्टर है ये ओके okay, ना इससे मैं ऑब्लिगेटिव फैक्टर लिख दो हूँ अगले टू वन प्लस कॉस्ट थीट ओके तो इसमें क्या है देखो इट इज़ मैक्सिमम अलोंग सी ओ सी ओ के जगह पे ये बहुत अलोंग है ये बहुत मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा इस जब हम हम ये कंसिडर करेंगे सी ओ कंसिडर करेंगे अगर सी ओ एंगल कंसिडर करेंगे हम लोग ओके okay, हमारा कैसा है यहाँ पे ये सी ओ दिखाया गया ये सी ए दिखाया गया अब बी तो एंगल थीटा है बट एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ओके जीरो पे सबसे मैक्सिमम रहेगी ओके तो अभी सी ओ मतलब वो जीरो डिग्री हो गया थीटा यहाँ पे जीरो है थीटा यहाँ पे जीरो है इसका मतलब कॉस जीरो कितना रहता है कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन ओके कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन यहाँ पे वन है ओके कॉस ज़ीरो अगर वन है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे वन कॉस ज़ीरो वन हो गए वन प्लस वन टू हो गए मतलब ऑब्लिगेटिव फैक्टर कहाँ पे हो गया टू से हो रहा है मतलब क्या हो रहा वो है, मतलब, है, है वो एक्चुअल में ओ एफ अगर टू है मतलब मैगजिम इंटेंसिटी हमारी टू है उस पर कंसिडर कर लो कि डबल हो रही है मतलब इंटेंसिटी डबल नहीं मतलब वही इंटेंसिटी है मैक्सिमम अगर टू हमने कंसिडर की मैक्सिमम जीरो पे देन नेक्स्ट क्या है एंड हाफ अलॉन्ग परपेंडिकुलर डरेक्शन और वो कितना हाफ है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलशन में अगर हमारा मैक्सिमम अगर टू है अगर हाफ हमारा कितना होना चाहिए वन होना चाहिए तो कितना होगा देखो थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री पे अगर थीटा नाइन्टी डिग्री होता है नाइन्टी डिग्री मतलब डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा ऐसा यहाँ पे थीटा होगा तो वो अगर नाइन्टी डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा कॉस नाइन्टी कॉस नाइन्टी क्या ज़ीरो होता है तो इससे मतलब सिर्फ वन बचेगा तो वन ऐसा बचेगा खाली बस एंड तो ये बताया था एंड जीरो अलॉन्ग सी एस तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू वन एटी डिग्री दिखाई ओके तो जीरो कब रहेगी वो तो वो वन एट्टी डिग्री में वन एटी डिग्री मतलब कैसा रहता है सिंगल लाइन मतलब उल्टा डिक्शन में इसे जाएगी ये डिरेक्शन में और हमें बोला था ना कि ये बैकवर्ड साइड यहाँ पे क्या रहेगा बैक साइड पूरा ज़ीरो रहेगा ज़ीरो इंटेंसिटी तो वहाँ पे कितना रहेगा हमारा जो थीटा है मतलब एंगल है वो रहेगा वन एटी डिग्री तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस वन एटी मतलब पाई लिखेंगे कॉस पाई मतलब वन एटी डिग्री तो कॉस पाई कितना रहता है माइनस वन तो वन माइनस वन वो एक्चुअल में क्या होगा जीरो बन जाएगा ओके सो इज प्रपोर्शनल टू जीरो मतलब इंटेंसिटी वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगी मतलब वो जीरो हो गया इसलिए क्या बोले है? उसको जीरो भी बोला जाता है सी और उसको नो बैक वेव भी बोला जाता है नो बैक व्यव ठीक okay? तो मतलब बैक में किसी भी तरह की वेव नहीं क्रिएट होगी देन नेक्स्ट क्या बताया कि इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अलग इसमें क्या बताया कि सेकेंडरी वेव फ्रंट एम प्राइम एंड प्राइम दो तरह के ओके यहाँ पे बताए तो एम प्राइम एंड प्राइम जो सेकेंड्री वेवलेट वेब फ्रंट है हमारा ओके okay? तो कैसा हो जाएगा देखो ये जो है सेकेंडरी ओके फर्स्ट पे हम लोग अभी तक बता रहे थे तो सेकेंडरी उससे जो, जो हमें मिला है निकला हुआ जो सोर्स उससे मिला है ओके okay? वेवलेट सीख लेंगे और फिर वेव फ्रंट फाइंड वेव फ्रंट मिलेगा तो वो क्या है एम प्राइम एंड प्राइम ओके प्रोड्यूस फ्रॉम दी प्राइमरी वेव फ्रंट एम एन ओके एम एन से निकला हुआ है इज इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डिरेक्शन वो फॉरवर्ड डिरेक्शन में इफेक्टिव है ये बताया गया ओके देन नेक्स्ट क्या है वेब फ्रंट जो होते हैं वो एक्श्र में फॉरवर्ड डिरेक्शन में यहाँ पे वर्क uh, करते है. तो फॉरवर्ड डिरेक्शन में वो ज्यादा इफेक्टिव है देन थर्स एरिया ऑफ फ्रेशनल जोन तो फ्रेशनल जोन है उसका जो एरिया है वो ओके फ्रेशनल जोन मतलब क्या रहता है हमारा वेब फ्रंट ही वेब फ्रंट का हर एक जो पार्ट है ओके स्मॉल स्मॉल पार्ट इलेमेंट में हम लोग उसका डिवाइड करेंगे तो उसी को फ्रेशनेस जोन बोला जाता है तो उसका एरिया देन एवरेज डिस्टेंस ऑफ फ्रेशनेस जोन और उसका एवरेज डिस्टेंस कितना बनता है वो ओके okay? सारे का डिस्टेंस हम लोग जितने भी है पॉइंट्स हर एक पॉइंट का गर, अगर डिस्टेंस अगर काउंट करते हो देन उसका एवरेज निकालते वो फ्रॉम ए पॉइंट अंडर कंसिड्रेशन जिस पॉइंट पे होगा वहाँ से एंड ऑब्लीगेटिव फैक्टर ओब्लीगेटिव फैक्टर मतलब क्या था कि जो एंगल बनाया था वही मतलब ये कितना ज़्यादा झुका हुआ है वो उस पर के उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती थी अगर वो पूरा स्ट्रेट है तो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी अगर वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे गया हुआ है तो फिर वो एंगल बढ़ेगा और फिर क्या होगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी विल डिसाइड द रिजल्ट इंटेंसिटी एट पॉइंट मतलब वही बताया कि किब्लिगिटी फैक्टर और ये सब चीज़ें वो हमें एक्चुअल में इंटेंसिटी बन के डिसाइड करने में यहाँ पर हेल्प करेगी सो दिस इज ऑल अबाउट दी टू डेज लेक्चर विच इज ऑफ द Uh, about the fresnel's assumptions. Okay, so I hope uh, you have cleared all these things about T uh, today's lecture. <coughs> so, next lecture, uh, we will discuss the other topics of this uh, unit that is, the diffraction. Okay, so thank you very much.